ठीक है दोस्तों, ये बजाज प्लेटिना 100 सीसी ES मॉडल बाइक है और इस बाइक का मैं पूरे वायरिंग का डिटेल्स देने वाला हूँ, पूरे वायरिंग की जानकारी देने वाला हूँ। गाड़ी हो सकता है इसमें करंट की समस्या बने, स्पार्क प्लग तक करंट नहीं पहुंच पा रही हो, या फिर बैटरी चार्जिंग की समस्या बने, या फिर गाड़ी स्टार्ट तो होती है झटके की समस्या बने, तो इस तरह की जानकारियां मैं देने वाला हूं। ऐसे क्या क्या फॉल्ट आती है गाड़ियों में, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, कौन कौन से पार्ट्स ख़राब होने से ये समस्या बन सकती है, वो सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप बने रहे हमारे साथ। मैं हूँ कासिम मुटो, झारखंड गोड्डा नरेनी से। हमारा पिन कोड होता है 8154। मेरा वर्कशॉप है नरेनी के कब्रिस्तान के सामने। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं फुल वायरिंग डिटेल्स के लिए। रुक, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा मैग्नेट कॉइल से। यहाँ पर मैग्नेट कॉइल होता है इस जगह, इसके अंदर मैग्नेट कॉइल है, आर्मेचर कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल और आर्मेचर कॉइल, लाइटिंग कॉइल, वो सभी चीज़ें होती हैं, और पिकअप कॉइल ये यहीं से होता है। और इसका जो सॉकेट दोस्तों आया हुआ है, इसका ये सॉकेट है, ये वाला सॉकेट है। और इनमें से कौन कौन सा वायर, कलर बाय कलर मैं आपको बताऊंगा किसका है, पिकअप कॉइल का कौन सा वायर है, स्टार्टिंग कॉइल का कौन सा वायर है, और फिर लाइटिंग कॉइल का कौन सा वायर है, वो सारी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, मैंने सारे सॉकेट को मैंने अच्छे तरीके से पहले पेट्रोल की मदद से साफ़ कर दिया कि आपको कलर बाय कलर अच्छी तरीके से पता चल सके, और मुझे भी। तो यहाँ से मैं थोड़ा खोल देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो नीचे से जो सॉकेट आया हुआ, ये वाला सॉकेट है, ये वाला तार है। हम इधर से खोलते हैं तो गाइस, यहाँ अंदर से जो तार आया हुआ है, इनमें से अगर येलो में से अगर रेड कलर का वायर अगर देखेंगे, नज़दीक करो कैमरा, और येलो में से जो रेड कलर का वायर है, तो गाइस इनमें से जो येलो में से जो रेड कलर का पट्टी है, ये वाला हो जाता है लाइटिंग कॉइल का वायर, लाइट जलने में मदद करता है। और ये वायर जो होता है यहाँ सीधा रेगुलेटर में आता है, ठीक है, इसमें करंट शो होगा। अगर लाइट की समस्या बन गई तो इसमें करंट शो होना चाहिए, अगर इसमें करंट शो नहीं करेगी तो लाइट नहीं बनेगा, लाइट नहीं जलेगी, ठीक है। और इनमें से अगर ये वाला वायर देखेंगे, ब्लू में से वाइट कलर का जो वायर है, ये होता है बैटरी चार्जिंग में काम करता है, ब्लू और वाइट बैटरी चार्जिंग में काम करेगा। एक चीज़ मैं बता दूँ बजाज की बाइकों में, इसके बाद अगर आप देखेंगे न्यू मॉडल में, तो आपको ये दो वायर मिलेगी, ब्लू में से जो वाइट कलर का पट्टी, ये दो वायर मिलेगी। उसका करंट चेक करने का तरीका है, इन्हीं दोनों वायर में से एक लाइटिंग के लिए काम करता है और बैटरी चार्जिंग के लिए काम करता है, और फिर गाड़ी स्टार्ट में के लिए भी काम यही दो वायर करता है, जो दो कलर की वायर होगी, येलो में से ये ब्लू में से वाइट। अगर इसमें जैसे सिंगल है, तो सिंगल में जो दिया गया है, इनमें स्टार्टिंग कॉइल भी है और लाइटिंग कॉइल भी है, और बैटरी चार्जिंग के लिए भी काम करता है। ये बैटरी चार्जिंग में काम करेगा, ब्लू में से वाइट और येलो में से रेड, लाइटिंग कॉइल में लाइटिंग के लिए काम करेगा। और इनमें से अगर हम इस साइड देखेंगे, ये रेड कलर का वायर, ये प्योर रेड जो है, ये स्टार्टिंग कॉइल है, इस गाड़ी को स्टार्ट करने में मदद करता है ना। और इनमें से अगर वाइट कलर में अगर रेड कलर का वायर देखते हैं, वाइट में से रेड पट्टी, ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए, ये होता है पिकअप कॉइल का वायर, इसमें करंट शो नहीं करेगी, लेकिन ये जो रेड कलर का वायर है, इसमें करंट शो करना चाहिए। करंट शो नहीं करेगा तो गाड़ी हो सकता है आपकी स्टार्ट ना हो, करंट वहाँ तक ना पहुँचता हो, ये भी हो सकता है। अब ये जो ब्लैक में से जो येलो पट्टी का कलर होता है, ये होता है बॉडी अर्थिंग के लिए, इसमें कोई भी करंट शो नहीं करेगी। अब ये वाला जो वायर है दोस्तों, इनमें से ये वाला जो कलर है, ये होता है, ये काम करेगा न्यूट्रल लाइट के लिए, जो स्विच को ऑन करते हैं, जो एन लाइट जलती है, इन्हीं के वजह से ये वाला। अगर न्यूट्रल लाइट मान के चलो नहीं जल रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इनमें से एक वायर इस तरीके से लगाएं, इसे ऐसे आपको लगाना है और बॉडी टच करना है, और वहाँ से स्विच को ऑन करना है। मैं चलो देख भी लेता हूँ ऐसा करने से होता है या नहीं। अगर मान के चलो आप न्यूट्रल लाइट को चेक करना चाहें, तो आपको ये वाला वायरिंग को चेक करना होगा। देखिए, ये वायरिंग जो इधर जो सॉकेट है, ये ऊपर वाला सॉकेट, ये तो खुला है, इसीलिए हम यहाँ से चेक नहीं कर सकते, इनसे चेक करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे स्विच ऑन है, ये स्विच ऑन है, न्यूट्रल लाइट नहीं जल रही है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हो सकता है न्यूट्रल लाइट की पत्ती टूट गई हो, कट गई हो, वायरिंग टूट गया हो, ये भी हो सकता है, या फिर वायरिंग खुल गया हो। तो इसको अगर हम इस तरीके से वायर लगाएंगे और बॉडी टच करेंगे, तो वहाँ पर न्यूट्रल लाइट जलेगी। वो देखिए, वहाँ देखो, देखिए जल रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं।
इस ग्रीन वाले वायर को, इसे मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया इस सॉकेट का। अब आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ से जो ये रेगुलेटर का सॉकेट है और रेगुलेटर का सॉकेट यहाँ पे जो वायर लगी हुई है ये किस तरीके से काम करता है, अब ये चीज़ें जान लेते हैं। बैटरी चार्जिंग के लिए और लाइटिंग के लिए दोनों काम करता है यहाँ पर। तो इनमें से अगर आप ब्लू वायर देखेंगे तो ये इनपुट वायर हो जाता है जो सीधा मैग्नेट कॉइल से आता है, और ये ब्लू जो येलो कलर का है ये भी इनपुट है जो मैग्नेट कॉइल से आता है। और दोस्तों ये जो वाइट कलर का है ये बैटरी चार्जिंग में काम करेगा आउटपुट, और ये इनमें से भी ये भी येलो कलर है जो लाइटिंग जलाने में काम करता है। यहाँ पे स्टार्टिंग से कोई लेना देना नहीं है रेगुलेटर से। स्टार्टिंग के लिए स्टार्टिंग कॉइल लगा हुआ है, अगर स्टार्टिंग कॉइल ख़राब होता है तो उसके वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। दोस्तों करंट के मामले में अगर CDI आपको चेक करना है कि CDI ख़राब है या सही है करंट के मामले में, तो CDI आप कैसे चेक करेंगे? CDI चेक करने का तरीका पहले मैं आपको बता दूं कि वायरिंग इसका काम कैसे कर रहा है। इनमें से ये तीन वायर काम का होता है, ये तीन वायर देखिए, ये वाइट और ब्लैक और फिर ये रेड, ये तीन वायर काम का होगा। ये वाइट में से जो रेड कलर का वायर है ये होता है दोस्तों पिकअप कॉइल का। इसमें अगर करंट चेक करना चाहेंगे तो करंट शो नहीं करेगी, और इनमें से अगर रेड में से जो ब्लू कलर का वायर है इसमें करंट शो करना चाहिए। इधर से जो सॉकेट गया हुआ है आप डायरेक्ट किक दबा के अगर करंट चेक करेंगे तो करंट शो होगा, अगर नहीं होता है तो फिर इधर से मैग्नेट कॉइल जो है वो ख़राब हो गई है, इसमें करंट शो हो रहा है, और वापस उधर से ये जो ब्लैक वाला वायर है ये आउटपुट है, ये इनपुट हो गया, ये इनपुट इधर से गया और आउटपुट हो गया ये वाला। ये ब्लैक वाले में करंट शो होना चाहिए वापस उधर से, और ये वाला जो वायर है दोस्तों ब्लैक वाला वायर, ये ब्लैक कलर का वायर ये सीधा चला जाता है इसमें, इस कॉइल में जाता है, देखो जाओ इधर ST कॉइल में जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ से ये स्पार्क प्लग तक करंट जाता है। इनमें से दो वायर आप देख रहे होंगे, एक तो ब्लैक हो गया और दूसरा ये वाला जो वायर है दोस्तों, ये वाला वायर गया हुआ है इस साइड में, दूसरे प्लग राइट साइड का जो प्लग है उसमें गया हुआ है, और बाकी ये तो हो गया। फिर वही अर्थिंग के लिए बाकी दोस्तों और भी इसमें एक ऑप्शन दिया गया है एक्स्ट्रा, इसमें एक्स्ट्रा वायर भी है, और भी ये सब जो वायर है ना इसके अंदर थोड़ा टेम्परेचर सेंसर वगैरह जो दिया गया है उसके लिए, तो इनसे करंट के मामले में कोई परेशानी नहीं है, इससे करंट को लेकर कुछ भी लेना देना नहीं है, तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। अब डायरेक्ट देखिए यहाँ से आपको चेक करना है तो यहाँ से भी डायरेक्ट चेक करते हैं, कर सकते हैं। इसमें ब्लैक वाला वायर आया हुआ है, इसे इस सॉकेट में आपको तार लगा के बॉडी टच करना है, इसमें करंट शो करना चाहिए, अगर नहीं करता है तो फिर CDI चेक करें या फिर मैग्नेट कॉइल चेक करें या फिर इसका जो इग्निशन स्विच है उसको चेक करें स्विच ऑन है या नहीं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो फ्यूज है फ्यूज कैसे काम करता है, ये देखिए मैं आपको फ्यूज की जानकारी दे दूँ। अगर गाड़ी का फ्यूज़ शॉर्ट कर जाए तो इसके ज़रिए से यहाँ तक बैटरी में करंट, बैटरी का जो करंट है वो इग्निशन स्विच तक नहीं पहुँचेगी। चलो मैं करके आपको दिखाता हूँ, ये शायद आप जानते होंगे अगर मैकेनिक है तो, अगर कस्टमर है तो हो सकता है आपको पता नहीं होगा। देखिए ये अगर मैंने इसको खोल दिया तो यहाँ पर जो न्यूट्रल लाइट है, यहाँ ले जाओ कैमरा, ये न्यूट्रल लाइट नहीं जलेगी, और फिर जब मैं इसे वापस जोड़ दूँगा तो वहाँ पर न्यूट्रल लाइट जलने लगता है, देखिए। तो ये चीज़ है, अगर इसे हम खोल देंगे तो गाड़ी स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगी और फिर सेल्फ काम नहीं करेगा, ये देखिए ये कुछ भी काम नहीं करेगा इसे खोलने के बाद, यानी कि फ्यूज़ शॉर्ट हो गया, एक हिसाब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और देखिए इसे लगाने के बाद हॉर्न काम करेगा और गाड़ी की सेल्फ भी स्टार्ट होगी, अभी इसका बैटरी डाउन है इसी वजह से सेल्फ काम नहीं कर रहा है। रोकना। अब मैं वाइजर की ओर कैमरा लेकर आया हुआ हूँ, और वाइजर में जितनी भी वायर हैं लाइटिंग के मामले में वो कैसे काम करता है, इग्निशन स्विच कैसे काम करता है वो भी आपको बता दे रहे हैं। ये वाला वायर देख सकते हैं इग्निशन स्विच का वायर है, और इनमें से चार वायर है दोस्तों,
इग्निशन स्विच का 4 वायर है। अगर आपकी गाड़ी का चाबी खो गया, आप बिना चाबी का गाड़ी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर सिर्फ आपको इसे खोलना होगा। इस सॉकेट को सिर्फ बाहर निकालना होगा और ये डायरेक्ट हो जाएगी और करंट शो करेगा, करंट देने में मदद करेगा। और एक जिसमें दो वायर होता है, जिसमें दो वायर होगा इस तरह का, तो उसमें जब सॉकेट खोलेंगे तो दोनों वायर को आपस में जोड़ना होगा, तभी करंट शो करेगी। इस तरह का कनेक्शन होता है। और ये 4 वायर वाला जो होता है, इसमें सिर्फ खोलना पड़ता है। तो इनमें से अगर ये वाला वाइट कलर का वायर देखेंगे, तो वाइट कलर का वायर करंट के लिए आता है। यहाँ से ये बैटरी का करंट आता है ऊपर इग्निशन स्विच में, और फिर जब स्विच को ऑन करेंगे तो इसका करंट, इसका जो करंट है, इस वाले में आता है। इस वाले से फिर ये पूरे बॉडी में जाता है, जैसे हॉर्न हो गया, फिर पासिंग लाइट हो गया, इंडिकेटर हो गया, ये सभी चीज़ों में जो भी बैटरी से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, फिर इसका करंट इसमें जाएगा। अब ये वाला जो वायर दोस्तों दिया हुआ है, ये दोनों वायर थोड़ा नज़दीक ले ना मोबाइल, इनमें से ये दोनों वायर जो दिया गया दोस्तों, ये CDI का करंट को कटआउट करने में मदद करता है। ये बॉडी अर्थिंग हो गया और ये CDI के करंट को कटआउट करने में मदद करता है। इनमें से आपको बता दिया कि बैटरी का करंट हो गया और ये हो गया। जब स्विच को ऑन करेंगे तो इसका करंट वापस इसमें जाएगा, इसका ये काम हुआ। ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये हमने LED बल्ब लगा रखा है, ये वही वायर है। आप फिर कमेंट में पूछेंगे ये कौन सा वायर था। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका जो करंट है इस वायर से इस कलर में जाता है, तो ये वाला वायर ये सेल्फ का ये वायर है। ये सेल्फ का सॉकेट है। सेल्फ और लाइटिंग दोनों में काम करता है। जो स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, लाइट जलाते हैं, ये उसके लिए है। तो स्विच के लिए कौन सा है वो आपको बता देता हूँ, सिर्फ लाइटिंग के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा खोल कर देखना पड़ता है इग्निशन स्विच, वहाँ से स्विच से, तभी पता चलता है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सेल्फ के लिए ये वाला काम करता है, ये दोनों, और फिर लाइटिंग के लिए ये दोनों काम करता है मेरे हिसाब से। बाकी जब हम वहाँ से कॉम्बिनेशन स्विच को खोलेंगे तो उसे देखकर थोड़ा अच्छे तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वायर किस काम में आता है। तो मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दिया, ये वाला जो सॉकेट है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन स्विच का है, लेफ्ट साइड का, जो इंडिकेटर हॉर्न वगैरह चलाते हैं, ये वाला उसका है। और इनमें से ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये होता है मीटर का। देखिए, तभी तो मैं उस टाइम ढूंढ रहा था तो नहीं मिल रहा था। मीटर में देखिए, इसमें इंडिकेटर वगैरह ये सभी चीज़ का दिया हुआ है, लाइटिंग के लिए, इंडिकेटर के लिए और न्यूट्रल लाइट के लिए, वो सभी वायर यहाँ तक आता है। वो अलग अलग तरीके से मैं आपको नहीं बता पाऊँगा पूरी तरीके से। और ये वाला जो सॉकेट है, ये होता है ब्रेक स्विच का। अब लाइटिंग के लिए थोड़ा और आपको बता दें, लाइटिंग के लिए ये देखिए, अगर मान के चलो लाइट नहीं जल रहा आपकी गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट है, तो आप कैसे करंट चेक करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको इसका बल्ब चेक करना है, बल्ब सही है या नहीं। बल्ब अगर आपका सही लगता है तो फिर इसमें से आपको ये वाला दोनों वायर, वहाँ से स्विच को ऑन करके कॉम्बिनेशन स्विच से, ये वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्विच को ऑन कर लेना है। और फिर इन दोनों में से किसी में भी करंट चेक करना है। आपको पासिंग भी दबाना है, हाई लूमिंग भी बटन को दबाना है। जैसे लाइटिंग के लिए आपको चेक करना है, तो ये जो सॉकेट है, इनमें से वहाँ से जो रेगुलेटर से जो लाइटिंग के लिए वायर आता है, वो आपको डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कि ये पीला कलर का वायर होता है, आप इसको चेक कर लें डायरेक्ट, इसमें करंट आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर रेगुलेटर फॉल्ट हो सकता है। अगर आता है तो ये जो वायर है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन स्विच में गया और वापस कॉम्बिनेशन, रोक। तो लाइटिंग के लिए आप डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला सॉकेट है लाइटिंग के लिए, जो मैंने राइट साइड में बताया, सेल्फ स्विच वाला, ये सेल्फ स्विच और लाइटिंग दोनों में काम करता है। तो इसको डायरेक्ट आप चेक कर लें, इसमें करंट शो होना चाहिए। अगर नहीं होता तो रेगुलेटर फॉल्ट होगी। अगर होता है और वापस उधर से करंट नहीं आ रहा है इधर यहाँ तक, तो फिर हो सकता है इसका जो स्विच है लाइट जलाने के लिए, वो हो सकता है ख़राब हो, या फिर बीच में से कोई भी, जैसे ये वाला सॉकेट है इसका कवर, ये शॉर्ट कर गया हो, इसमें कार्बन हो, ये सभी चीज़ें भी देखना होता है। दोस्तों, इनमें से एक चीज़ और आपको बता दो, इंडिकेटर के लिए, अगर इंडिकेटर काम नहीं करता है तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका जो ये
इंडिकेटर का फ्लाशर है, इसे चेंज करके देखें। अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो इस दोनों वायर को आप डायरेक्ट करके देखें, ये जो दोनों वायर हैं इसको डायरेक्ट करके देखें। अगर डायरेक्ट करने पर इंडिकेटर जलने लगता है तो फिर फ्लाशर ख़राब है, और अगर नहीं जलने लगता है तो वायरिंग में कोई गड़बड़ी है, इंडिकेटर हो सकता है काम नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। इनमें इसका जो कनेक्शन दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार, ये एक कलर है ये वाला, तो ये इग्निशन स्विच का ही कलर है। इग्निशन स्विच जब हम ऑन करते हैं तो इसमें करंट शो होता है बैटरी का, और वो वाला जो आप देख रहे हैं तो इसका करंट इसमें आता है और इससे फिर इसमें जाता है इंडिकेटर के ये बटन में, और फिर ये इससे इसके ज़रिए फिर इंडिकेटर जलने में मदद करता है। अब देखिए, अगर बैक लाइट की अगर समस्या बने तो बैक लाइट भी इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं। बैक लाइट में जो एक वायर है, यहाँ पे तीन वायर होता है, एक अर्थिंग होता है और दूसरा होता है लाइटिंग से जुड़ा हुआ, और एक होता है ब्रेक से जुड़ा हुआ। तो लाइटिंग वाला जो मेरे ख्याल से होगा ये ब्लू कलर का होगा लाइटिंग के लिए, और फिर ये रेड कलर का जो वायर है ये हो सकता है ब्रेक के लिए हो। चलो मैं इसे भी देख लेता हूँ एक बार। हाँ, तो ये ब्लू कलर का वायर देख सकते हैं, ये ब्रेक स्विच जो है ये वाला, तो ये ब्रेक का है। तो ये ब्लू कलर का जो वायर है दोस्तों, ये ब्रेक से जुड़ा हुआ है, और ये रेड कलर का जो वायर है ये लाइटिंग से जुड़ा हुआ है। तो करीब करीब मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और रह गई है सिर्फ हॉर्न। हॉर्न में आप देख सकते हैं कि हॉर्न में भी वही कलर है जो मैंने आपको इग्निशन स्विच से दिखाया था। ये देखिए, इग्निशन स्विच से जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला कलर, ये कलर ये हॉर्न में आता है। यानी बैटरी का जो करंट है वो इसी में होता है, स्विच को ऑन जब ऑन करेंगे तो इसी वाले कलर में चेंज होता है। और इसमें अगर करंट नहीं आता है तो फिर इसका हॉर्न काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको यहाँ से चेक करना होगा, किसी भी यहीं से आपको चेक करना होगा। कुछ जुगाड़ कुछ माइंड भी अपना लगाना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम डायरेक्ट यहीं से फॉल्ट पकड़ेंगे, हो सकता है और भी कहीं फॉल्ट हो, हॉर्न ख़राब हो, बीच में से वायर कट गया हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें होता है दोस्तों, वायरिंग में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो उम्मीद है मैंने आपको सारी जानकारी दिया स्टार्टिंग के मामले में। एक चीज़ शायद और मुझे बताना चाहिए इसके सेल्फ़ के बारे में कि सेल्फ़ रिले कैसे काम करता है। सेल्फ़ रिले देखिए, ये इसका जो बटन है सेल्फ़ का बटन, इसमें जो वायर है इसका वायर यहाँ तक आता है, ये वाला देखिए, ये वाला वायर है, और ये जो वायर है दोस्तों ये जाता है सेल्फ़ के रिले में। अगर ये सॉकेट खुल जाता है या फिर वहाँ का सॉकेट खुल जाता है, सेल्फ आप दबाना चाहेंगे, स्टार्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ये वायर लगा हुआ रहना चाहिए, और इसका जो करंट है ये रिले में जाता है, रिले के ज़रिए से फिर ये गाड़ी स्टार्ट होती है, और इन्हीं का जो वायर है दोस्तों ये डायरेक्ट जाता है ये सेल्फ़ में, और गाड़ी स्टार्ट होने में मदद करता है। इसके लिए तो आपको फिर कार्बन भी चेक करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। उम्मीद है मैंने आपको सारी जानकारी दिया इस एक वायरिंग को लेकर। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, पसंद है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कासिम मटो, झारखंड गोडा नरेनी से।